हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गरिमा आप इतनी प्यारी हैं, आपकी जब शादी हुई थी तो आपने फोटो भेजा था कि समोसे बना के भेज के वहीं पे ओके हो गया था। नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ एक ही बारी खाना बनाया था। अच्छा जी। हमारी फर्स्ट डेट पे। अच्छा, उसके बाद मैंने कभी नहीं बनाया। आपके हस्बैंड पायलट है ना? हाँ जी। वो भी आए हैं? अरे जहाज कहाँ पार्किंग कर रहे हो? बहुत बहुत स्वागत है पायलट साहब। रणवीर बराड़ साहब के बारे में बता दूं, ये अपनी कुकिंग की वजह से जेल भी होके आए हैं। मतलब अरेस्ट नहीं हुए थे, जेल के कुक्स को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। अच्छा। और जब ये ट्रेनिंग दे के आए, उसके बाद हमें सुनने में मिला है कि जिन कैदियों की पनिशमेंट पूरी हो चुकी है उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है कि हमें 2 महीने रहने दिया जाए। पाजी, वो क्या किस्सा था? मतलब आपको कैसे मन में आया कि मैं जेल में जाके कुकिंग सिखा के? पाजी, यूपी में 3 आदर्श कारागार है, मॉडल जेल जिनको हम बोलते हैं। अच्छा जी। वहाँ पर जो इनमेट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि बाहर जाके एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। मुझे लगा यू नो सेकेंड चांसेस की अगर हम बात करते हैं तो खाने से बड़ा सेकेंड चांस देने वाला मीडियम कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली। तो हम अभी भी जाते हैं वहाँ पर, ट्रेन करते हैं, मेरे शेफ्स वहाँ पर हैं। अच्छा जी। और उसका जो नाम है जो DIG प्रिजन साहब उन्होंने रखा है वो है जेल की रोटी। अच्छा जी। और उसकी बात भी वैसे ही कर रहे हैं और बर्गर्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं और होटलों में जा रहे हैं वो। अच्छा जी। क्योंकि उनको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप एक जेल के अंदर है लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया आपका खाना खा रही है और तारीफ कर रही है। वो कॉन्फिडेंस, वो जो है ना कि समाज में जुड़ने की जो इच्छा है वहीं से आ जाती है। आई एम एक्सेप्टेड बिकॉज माई फूड इज एक्सेप्टेड। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा विकास पाजी, इतने हैंडसम है, इतने पॉपुलर है वर्ल्ड लेवल पे, इतने साल से खाना बना रहे हैं, आपने कभी सोचा नहीं इतने साल से खाना बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के फैमिली भी बना लेता मैं कभी? है आपको कोई पसंद नहीं आई कि बहुत सारी पसंद है इसलिए कंफ्यूज्ड है? कह सकते हो। आई थिंक क्या होता है कि शेफ की जो लाइफ है बहुत डिमांडिंग रहती है। और जब आप कुकिंग करते हो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत मुश्किलें आती है, स्पेशली कंट्री लाइक अमेरिका। राइट। तो आपके इतने साल अपने आपको एस्टैब्लिश करने में लग जाते हैं तो मेरे को लगता है शायद मैं बताता हूँ। ये सारी अंग्रेजी पंग्रेजी, शेफ, वेस्टर्न लाइफ, इसको कोई नहीं झेल सकता मेरे से। रियलिटी ये ठीक है, आप जा रहे हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक से सर को लगा कि नहीं हम सही नहीं जा रहे। अच्छा। ड्राइवर है गोवा में, उसे पता है ड्राइवर गोवा का है। नहीं हम सही नहीं जा रहे, तू बॉम्बे लेके जा रहे हमको। अच्छा। नहीं नहीं बैठ जा बैठ जा। अभी ऐसे को कौन बेचारी झेलेगी 2 हफ्ते से ज्यादा है? देखो परफेक्शनिस्ट की ये प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूं। पाजी परफेक्शनिस्ट नहीं, की कहंदे उन्हें पंजाबी च दस टेढ़ा। तो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ लेफ्ट किधर आपका? इधर। खब्बा सच्चा। हाँ लिख के पहले करते थे। हाँ तो राइट, मतलब मैं ड्राइवर कह रहा हूँ तू गलत मुड़ा है, मैं अपनी सियाणा बन रहा था तो फिर लड़ाई होगी थोड़ी मारी। पाजी शूट चल रहा होता है, ठीक है, शूट चल रहा है, विकास ऐसे खड़ा है, ठीक है, विकास को बोलते विकास मर जा राइट वहीं। तो हम लोग पंजाबी चलती है सेट पे, तो कैमरा पे टेक चल रहा है, 3 शॉट लगा हुआ है, विकास पहले ऐसे कर रहा है। मैं देखता हूँ कौन से हाथ से लिख सकता हूँ, कौन मतलब लाइव मास्टर जी आपके कंटेस्टेंट देख रहे हैं कि 3 जज हैं, एक को क्या हो गया। पर मैंने किस्सा सुना, बोलता आप किसी होटल में गए, वहां शादी हो रही थी और लड़की जो थी आपको देख के अपने दूल्हे को छोड़ के भाग के आपके पास आ गई। नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं हुआ था, मेरे सामने हुआ था, ये मेरे सामने हुआ था। ये हम लोग बैठे थे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो दूल्हा दुल्हन वहां से आए एंड सडनली ना उसकी आईज, आई सॉ हर आईज ना लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिम, ऑन शेफ, नो नो प्लीज। एंड वो वीडियोग्राफर ऐसे था सामने, शी बी लाइन सीधा हमारे टेबल पे, पीछे पीछे उसका वीडियोग्राफर भी साथ में। लड़के ने बड़े प्यार से कहा, मैं कहा चलो चलो रूम में चलो, तो मुझे कहता आप भी चलो साथ में। वो हुआ था, वो तो उसके बाद हुआ था, वो भी कैमरा पे था। शादी टूटी इज अ फैक्ट, ठीक है। पिछले सीजन में क्या हुआ, हमने बोला कि भाई मास्टर शेफ है, एक बार हम शादी पे सारे कंटेस्टेंट्स खाना बनाए। अच्छा। 2 लोगों की शादी थी तो उन्होंने बोला यार हमारी शादी में पता नहीं तुम लोग कैसा होना, लेकिन हम तुम्हारे सामने एक एपिसोड कर लेते हैं, शादी हमारी 1 हफ्ते बाद है। अच्छा ठीक है। तो वो जी एपिसोड हुआ, विकास ने उस शादी में डांस किया और वो शादी टूट गई, 1 हफ्ते बाद असली शादी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डांस किया, दुल्हन ने कहा जब ऐसा बंदा मिल सकता तो मैं ऐसे के साथ शादी क्यों करूं।
ये नहीं हुआ था। अच्छा तो विकास आप बताओ कि असली रीजन क्या था टूटने का। तो वो मुझे पूछ रही थी, तो मैं कहा देखा, मैं उस लड़की को बोला मैं भड़का नहीं रहा था, मैं चाय नहीं हूँ। मैंने कहा देख तो ये खाना बनाता है ये, तो लड़का कहता मैं तो कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया आज तक। मैं कह इन लड़कों ने बाद में बड़ा तंग करना होता है, मैं उसको भड़का रहा था। और क्या होता है भड़काना, पूरी आग लगा के आए आप। इन लड़कियों को इसको चूल्हे में आग लगानी नहीं आती, तो पूरी उम्र से रोटियां बनाएगी काले ग्लास उठाएगी। तो उसको लगा एक बार सेकंड थॉट कर लो, तो कहती आप, मैं क्या मैं तो आगे से आप ना अपने विजिटिंग कार्ड छुपाओ, हम अच्छा खाना बनाने के साथ घर भी तुड़वाते हैं। कभी ऐसा हुआ आप घर से आलू गोभी खा के गए हो और सामने शो में भी कंटेस्टेंट ने आलू गोभी बना दियो और आपने गुस्से में रिजेक्ट कर दिया हो कि दो टाइम आलू गोभी कौन खाए? ऐसे कभी? My God. ओहो भाई आप चौथे जज बन जाओ, मास्टर पंजाब कर लेंगे हम लोग। हुआ है पता है क्या, कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार बात सुन, आज ना रात को मटर की सब्जी बनानी है, आज एक चैलेंज करते हैं, सारों को मटर दो कौन जल्दी छील लेगा। इसी बहाने वाले मटर छिल जाएंगे। ऐसे ख्याल तो मन में अक्सर आए आए किया नहीं, ठीक है। उसके बाद सेम चीज सुबह सुबह खाया और फिर यही बना दिया। और ये पहले बहुत तारीफ करेंगे, अच्छा। फिर जैसे ही घूमेंगे ना कैमरा से ऑफ होंगे, आज सुबह मैंने यही खाई। अच्छा कई तो जिद्दी भी होते हैं, जैसे आपके आगे किसी ने खाना बना के रखा हो और आपने कहा हो कि इसमें जीरा आपने ज्यादा डाल दिया है, उसने कहा हो कि हमारा शहर में खाते ही ज्यादा है जी। उसके लिए मैं जाऊंगी नहीं। मैंने कहा आपका मास्टर शेफ का सफर यही खत्म होता है, कहती तू कौन है? डायरेक्टर बोला नहीं इनको आराम से निकाल दे, कहती मैं तेरी गाल नहीं सुनती, तो कर ले जो करना है। अब मेरे को समझ रहा है मैं पतला सा बेचारा वहां पे खड़ा, मैं क्या थोड़ी देर रुक जाओ फिर, और कहते नहीं बस हो गया उसका सफर। उसके लिए इस सीजन में हमने गरिमा इनको रखा है, जो बोलता है मेरा जीरा ठीक है, मैडम ऐसे करती है बस ऐसे। अच्छा वाह, नहीं होते हैं रोमांस में, मैं सैंडविच बन जाती हूँ और कुछ नहीं है। कैन इमेजिन मेरे साथ क्या होता होगा सेट पे। पर वो जो ना सलमान भाई के पापा सलीम साहब, तो उनके घर में जो कुक हैं सलाम, उन्होंने बोला कि यार एक दिन वो सब्जी बना के लाया, तो मैंने कहा सलाम इसमें नमक ज्यादा है, तो बोलता साहब मैं ज्यादा ही खाता हूँ। तो मैं कहा आपको भी ऐसे मिलते होंगे। अच्छा आप शेफ लोगों का हमने देखा बच्चे को खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं है? एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे, तो आलू की सब्जी बहुत बनी पड़ी थी, तो मेरा दोस्त कहता देखना सुबह पराठे आएंगे, वो वाकई सुबह पराठे आ गए। तो मैं सोच रहा था कि इधर पराठे भी बच जाए तो उसका भी फिर कुछ कर लेते हैं। उसका इलाज ना हमारी मम्मियां बताएंगी। एक्चुअली ये पराठों का जुगाड़ ही पंजाबी मम्मियों ने बनाया, रात की सब्जी को सुबह निकालने के लिए रिसाइकल करने। सिर्फ पंजाबी नहीं, मतलब आई थिंक मोस्ट कल्चर्स में दाल बची तो भर दी, इट्स अ रिसाइक्लिंग अमेजिंग आइडिया आई थिंक। पाजी एक बात पूछनी थी, थोड़ा शो से अलग हटके सवाल, थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है। ये जो रसगुल्ला होता है इसको किस हद तक निचोड़ा जाए कि इसकी मर्यादा भी बनी रहे और स्वाद भी ना जाए? ये सवाल जो है बड़ा बड़ा जरूरी है। बस आप ऐसे निचोड़ो कि बस मुंह में गिरते टाइम ना रस ना गिरे, इतनी बेइज्जती ना हो। जैसे उस दिन अर्चना जी ने पूरा निचोड़ा, बिल्कुल उसकी सिर्फ रुई रुई बच गई, वो खा के बोलती ये तो मैं फिर उठाया करती। अच्छा खाने को लेकर बड़ी लोग बातें करते रहते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, कोई कहता है खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए पानी? सर एक आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाने के पहले जी का पानी अमृत है। अच्छा जी, खाने के साथ का पानी आनंद है, खाने के इमिजिएटली तुरंत बाद का पानी जहर, अच्छा, और खाने के घंटे भर बाद का पानी बल है, ताकत है। अच्छा, तो इमिजिएटली बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जब खा रहे हैं तो थोड़ा 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 साथ में पी सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब आपने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा, तो मैंने इंटेलेक्चुअल, अच्छी बात है हमारे दर्शकों को हंसने के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी मिले। तो पाजी आप सब लोग कभी किसी के लोग बुलाते होंगे डिनर के लिए, तो आपको पका पकाया खाना मिलता है, कच्चा सामान रख देते हैं कि बाप से अच्छा कौन बना सकता है? लोग मेरी मॉम तो ट्राई तो करती है। इन्होंने संजीव कपूर साहब को अपने घर बुलाया एक बार, बोले संजीव अंदर आ गए देखना गाजर का हलवा सही बन रहा है, वो अंदर गए उन्होंने किचन लॉक कर दिया, अब बनाओगे तो निकलोगे बाहर। अरे ऐसे काम करती हो आप, सो क्यूट। रणवीर पाजी की खासियत है इंसानों के मूड तो हम पकड़ ही लेते हैं, इनका ये कहना है कि जो सब्जियां होती हैं उनका भी अपना अपना एक मूड होता है। पाजी मेरे पास कुछ सब्जियों के नाम है, आप बताएंगे उनका क्या क्या मूड होता है? हाँ जी, आलू किस मूड में रहता है? आलू
भैया आलू ना बड़ा दुखी है। हैं? क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है, जिसकी जो मन हुई, कभी गोभी के साथ डाल दिया, कभी शिमला मिर्च के साथ डाल दिया, कभी पूड़ी में डाल दिया, मतलब पूछ नहीं है कोई ना। ओके, टमाटर पाजी वो किस मूड में रहता है? पाजी टमाटर जो है थोड़ा होशियार ज्यादा है। अच्छा क्यों? नहीं क्योंकि आप मतलब सलाद में भी खा सकते हो, इसमें भी खा सकते हो, होशियारी करके घुसता है वो सब जगह। अच्छा हाँ, मतलब चलाकी से। टमाटर, आप भी टमाटर ही हो क्योंकि आपके आने से पहले भी काम हो रहा था लेकिन आज बोल दो कौन से शो में मेरे बगैर काम हो रहा है, आपने आके हमारा आलू निकाल दिया बैंगन किस मूड में होता भाई? बैंगन आई थिंक फुल ऑफ इट ईगो है। क्यों? मतलब आप पैदा ताज के साथ हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब अच्छा इतनी ईगो नहीं है। ये ब्रोकली पाजी, ये मेरी लास्ट सब्जी है जिसके बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो इसका मूड बताएं, फिर ये बताएं कि कब आई ये। पाजी ये जो ब्रोकली है ना जी, ये ब्रोकली का बेसिकली जो मूड है वो जैसे बच्चे खो जाते हैं ना मेले में, हाँ वो वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया आई है, लोग अभी तक कोई हरी गोभी बोल रहा है, हाँ। कोई ब्रो गोभी बोल रहा है, कोई बोल रहा है ये गोभी खराब हो गई, तो हाँ। बेचारी ऐसे मेले में खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर देख रही है, कोई तो मेरा नाम ले लो ठीक से। पर वो सच्ची में बड़ी पौष्टिक होती है पाजी, बोलते विटामिन सी बड़ा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसमें, सही बात है पाजी? कोई भी हरी सब्जी उतनी पौष्टिक होती है जितनी ब्रोकली होती है। अच्छा जी, जिंदगी में और खाने में अगर रंग बने रहे तो सेहत बनी रहती है, बेसिकली है। मम्मी सुन रहे आप, हरी सब्जी ब्राउन समोसा नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।